प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन यात्रा के अंतिम दिन शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि वक्त तेजी से बदल रहा है और आज भारतीय चीन में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल पहले भारतीय लगातार ये पूछ रहे थे कि भारत में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहने वाला है। मोदी ने आगे कहा, एक साल पहले सिर्फ एक ही स्वर सुनाई देता था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। एक साल पहले मेरी आलोचना होती थी, सही आलोचना होती थी, लेकिन आशंका गलत थी। मेरा बायोडाटा देखकर सब इनकार कर देते थे। मैं एक साल बाद जनता के सामने अपना सिर झुकाता हूँ। मैंने तब ये संकल्प किया था कि मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शंघाई की धरती पर लघु हिंदुस्तान मौजूद है। दुनिया की हर अच्छी बात सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। एक साल में मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा है। जनता ईश्वर का रूप है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मंगोलिया की यात्रा के बारे में मोदी ने कहा कि आप संडे मनाएंगे, मैं मंगोलिया में काम करूंगा। ये चीन के इतिहास में पहली बार है जब किसी दूसरे देश के नेता का चीन में इतना भव्य स्वागत किया गया हो। ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं, ये स्वागत 125 करोड़ भारतवासियों का है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि 15 साल पहले विकासशील देशों को कोई पूछता नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन अब विश्व का मानचित्र बदल चुका है और भारत जैसे विकासशील देशों के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। चीनी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया अपील का असर साफ साफ देखने को मिला। इस दौरान भारत और चीन की कंपनियों के बीच करीब 22 अरब डॉलर के 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बीजिंग से शंघाई पहुंचे, जो उनकी 3 दिवसीय चीनी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। शनिवार को भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे पीएम मोदी ने चीन की चुनिंदा बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। यहीं पर उन्होंने इंडिया चाइना बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, बौद्ध धर्म सफलता का बीज है, चीन के प्राचीन इतिहास से भारत को भी फायदा है। मैं कई कंपनियों के सीईओ से मिला, भगवत गीता और रामायण का चीनी अनुवाद भी चीन में काफी लोकप्रिय है। तुलसी रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। भारत चीन के पास विकास की अनंत संभावनाएं हैं। मोदी ने इस दौरान चीनी निवेशकों को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि हम व्यापार के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार के लिए एफडीआई की जरूरत है। इस साल 39% एफडीआई में बढ़ोतरी हुई है। हमें आपसे व्यापार सीखना होगा। दिल्ली सरकार में कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद सार्वजनिक हो गया है। एक ओर जहां उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार पर मेहनती और ईमानदार आईएएस अधिकारी को परेशान करने का आरोप लगाया है, वहीं दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर उपराज्यपाल के जरिए तख्ता पलट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार ने शकुंतला गैमलिन को कार्यभार न संभालने की भी सलाह दी है। दिल्ली सरकार में 10 दिन के लिए कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन का विवाद अब राजनीतिक रंग अख्तियार करता दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने इसे बीजेपी की तख्ता पलट करने की साजिश बताया है, जबकि विरोधी पार्टियां इसे केजरीवाल का राजनीतिक स्टंट बता रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। केजरीवाल ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री महाराणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहीं युग पुरुष महाराणा प्रताप नामक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। इस दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री का प्रतापगढ़ का पहला दौरा होने से क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजामों को सुनिश्चित किया गया है। जिला कलेक्टर सत्य प्रकाश व SP कालूराम रावत ने इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा के लिए NSD व BSF के अधिकारी भी पहुंचे हैं। साथ ही सुरक्षा का हेलीकॉप्टर से जायजा भी लिया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री सवेरे 11 बजे BSF के हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। मिनी सचिवालय में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे तथा युग पुरुष महाराणा प्रताप नामक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे तथा एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री
राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान प्रदेश भर के कई प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा मंत्री, ऊर्जा मंत्री तथा जनजाति विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरे को लेकर मेवाड़ क्षेत्रीय सभा की ओर से जोरदार तैयारियां भी की गई है। बहरहाल प्रताप जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री के इस दौरे से क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। वही प्रतापगढ़ जिला जनजातीय पिछड़ा क्षेत्र होने से केंद्रीय मंत्री के इस दौरे से विकास के कई आयाम खुलेंगे, ऐसी आस भी लगाई जा रही है। विश्व में सांगानेर की पहचान उसके रंगाई छपाई उद्योगों से है, लेकिन सांगानेर की करीब 900 इकाइयों पर इस समय संकट गहरा रहा है और ये संकट है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से मिले नोटिस के कारण। विश्व में रंगाई छपाई के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाली सांगानेरी प्रिंटिंग इकाइयों पर छाया खतरा अब टलने के आसार है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिले नोटिस से परेशान औद्योगिक इकाई संचालकों के साथ अब सरकार खड़ी है। खुद मुख्यमंत्री और शहर सांसद ने इस संबंध में शुक्रवार शाम दिल्ली में टेक्सटाइल्स मंत्री संतोष गंगवाल से मुलाकात कर सांगानेर में लगने वाले सीएटीपी के लिए केंद्र से मदद मांगी। सांगानेर में 11,000 मीटर क्षेत्रफल में लगने वाले इस संयंत्र में आने वाली लागत का 50% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार और बचा हुआ 25% स्थानीय औद्योगिक इकाई संचालक वहन करेंगे। शहर सांसद रामचरण बोरा के अनुसार गंगवाल ने ये मदद जल्द ही मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। उनके अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन इकाइयों को बंद करने के लिए नोटिस तो जारी कर दिए, लेकिन अब अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट से कुछ समय की मोहलत और मांगी जाएगी, जिससे सांगानेर में परिशोधन यंत्र स्थापित किया जा सके। हालांकि सांगानेरी प्रिंट के उद्योगों को राजस्थान सरकार यहाँ की विरासत मानती है और इसी विरासत को बचाने में सरकार जी जान से जुट गई है। ऐसे में उम्मीद बनी है कि यहाँ के उद्योगों को सरकार बचा पाएगी। गर्मी के दिनों में आम जनता पानी की समस्या को लेकर परेशान ही रहती है और अब जलदाय विभाग ने इसी पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला है। जी हाँ, जलदाय विभाग अब इस किल्लत को लेकर काफी संजीदा हो गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश में नहरों की मॉनिटरिंग अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक अपनाई जाएगी। जी हाँ, जल संसाधन विभाग इसकी तैयारी में जुटा है और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। अब तक ये तकनीक विदेशों में इस्तेमाल की जा रही थी और यदि राजस्थान में इसे अपनाया जाता है तो देश में राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश होगा। इस तकनीक में रिमोट से संचालित मिनी हेलीकॉप्टर के जरिए नहर की मॉनिटरिंग की जानी है। हेलीकॉप्टर में कैमरा लगा होगा जिसमें आने वाले वीडियो फुटेज कंट्रोल रूम में दिखेंगे। इस तकनीक से प्रदेश में नहरी इलाकों में होने वाली पानी की चोरी और नहर की तोड़फोड़ पकड़ी जा सकेगी। निश्चित रूप से जलदाय विभाग द्वारा पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये उठाए गए कदम वाकई में सराहनीय हैं और अब चोरी करने वालों की भी खैर नहीं। जयपुर नगर निगम में महापौर और उप महापौर पद के बाद सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले समिति चेयरमैन पद के लिए भाजपा पार्षदों ने जोड़ तोड़ बैठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी संगठन 21 मई से पहले समिति अध्यक्ष पद के लिए पार्षदों के नाम तय कर देगा, लेकिन इसमें विधायकों की पूरी चलेगी। शहर का हर भाजपा विधायक चाहता है कि उसके विधानसभा से ज्यादा पार्षद निगम की संचालन समिति में चेयरमैन का पद हासिल करें। खासतौर पर यूडीएच मंत्री भी जयपुर के जोटवाड़ा से विधायक हैं और माना जा रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से 3 पार्षद समिति चेयरमैन पद पा सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ भी अपने विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर से 3 पार्षदों के नाम चेयरमैन पद के लिए संगठन को दे चुके हैं। फिलहाल समिति चेयरमैन पद के लिए खींचतान जारी है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी इसे आपसी सहमति और राजीनामे से निपटाने की बात कह रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में इन दिनों पीटी सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट के डाउन चलने के कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने 11 मई से 17 मई तक बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने की तारीख दी है, लेकिन वेबसाइट पर काफी दिक्कतें आ रही है। फॉर्म भर दिया जाता है तो चालान नहीं कटता। इस पर प्रशासन से बात की तो दोबारा फॉर्म भरने की नसीहत दी जाती है। दोबारा फॉर्म भरने पर भी यही मुसीबत सामने आ रही है, जबकि एक बार फॉर्म भरने की फीस 50 रुपए लग रही है। ऐसे में कल अंतिम तिथि है, लेकिन हालात वही है। अगर इस दौरान फॉर्म नहीं भरे गए तो लेट फीस के साथ 100 रुपए का नुकसान भी छात्रों को होगा। छात्रों का कहना है कि आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दिया गया समय काफी कम है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 1 मई से पूरे राजस्थान के करीब 25 करोड़ असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का अभियान शुरू किया है। इस अभियान की समीक्षा के लिए श्रम राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने हनुमानगढ़ का दौरा किया और अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी
मंत्री द्वारा दिए गए। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों बने भामाशाह कार्डों में जिन मजदूरों के व्यवसाय के कॉलम में खुद को असंगठित मजदूर दर्ज किया, उनका रजिस्ट्रेशन करके पूरे प्रदेश में डाटाबेस तैयार किया जाएगा। असंगठित मजदूरों में वो सभी लोग आते हैं जो खेती करते हैं, घरों में नौकरी करते हैं या जिनकी सालाना आय 1,75,000 रुपए से कम है, यानी कि उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जो कि नौकरी या मजदूरी करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें सरकार की तरफ से सरकारी सुविधाएं दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हनुमानगढ़ जिले में श्रम राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं टीटी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा सरकार गरीब और मजदूर वर्ग की हितैषी है, इसके चलते ये योजनाएं बनाई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जा चुकी है, लेकिन उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के चलते गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मंत्री महोदय ने आज आश्वासन दिया है, उस पर वे कब तक खरा उतरते हैं और कब तक मजदूरों को लाभ मिलता है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सशक्तिकरण के मद्देनजर शनिवार को महिला सामुदायिक भवन शास्त्री नगर में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार, उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध केंद्र अजमेर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 15 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बधेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके पास हुनर भी हो। इसी के तहत ये सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगाया जिसमें 30-30 महिलाओं के दो बैच को 15 दिन तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन हमारे देश में अभी महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में बेहद कम है। हमारा प्रयास है कि इनकी भागीदारी सभी क्षेत्रों में बढ़े ताकि महिला सशक्तिकरण का हमारा सपना साकार हो सके। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता बधेल ने इस मौके पर कहा कि आगामी कुछ दिनों में महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी शिविर आयोजित किया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जयपुर के सहकार मार्ग स्थित भोजपुरा कच्ची बस्ती में जेडी की कार्रवाई के विरोध और पुनर्वास की मांग को लेकर प्रभावित परिवारों ने मुख्य सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कुछ महिलाओं ने सहकार मार्ग पर जाम भी लगा दिया। दरअसल विरोध की शुरुआत आज सुबह से हुई, जब जेडीए दस्ता बची हुई झुग्गियों को हटाने के लिए मौके पर पहुंचा तो लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने जेसीबी मशीन पर पत्थर मारकर उसके शीशे भी तोड़ दिए। हंगामे के चलते मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। जेडीए की ओर से भोजपुरा कच्ची बस्ती में 1.5 दर्जन झुग्गियों को बिना नोटिस के हटाया गया था। दरअसल प्रभावित परिवारों का आरोप है कि जेडीए ने उन्हें पुनर्वास का आश्वासन देकर हटा तो दिया, लेकिन अब जेडीए के अधिकारी उनकी पुनर्वास की मांग को सुनने को भी तैयार नहीं। विवादित आम रास्ते में नीम का पेड़ लगाने को लेकर दो पक्षों में हुआ जमकर खूनी संघर्ष, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल। चिकसाना थाना क्षेत्र के हाथीपुरा गांव में विवादित जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि हाथीपुरा गांव में होकर निकल रहे एक आम रास्ते पर दो पक्षों की नजर है और दोनों ही उस पर कब्जा करने की नियत रखे हुए हैं, जिसको लेकर आए दिन पूरन और नारायण के पक्ष लोग झगड़ते रहते हैं। आज भी इस जमीन पर एक पक्ष द्वारा कब्जा करने की नीयत से लगाए गए पेड़ को लेकर दूसरा पक्ष भड़क गया और तू तू में शुरू हो गई। झगड़ा लाठी फरसा और जंग में तब्दील हो गया। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला चिकसाना थाना अंतर्गत नगला हाथीपुरा गांव का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। नेवटा के इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा के साथ स्वयं के जीजा ने पहले तो बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसकी गला दबाकर बैरमी से हत्या कर दी है। ये मामला है झुंझुनू जिले के सेठ थाना इलाके के बगरू के पास नेवटा गांव का। सेठ थाना अधिकारी भूरे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि झुंझुनू जिले के चैलासी गांव निवासी 17 वर्षीय छात्रा अपने रिश्ते के जीजा के यहाँ नेवटा में रहकर इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि मृतका छात्र ने 4 दिन पूर्व अपनी मां को गांव में फोन करके बताया था कि उसके जीजा रामनिवास ने उसके साथ जबरदस्ती कर हवस का शिकार बनाया है और उसके बाद उसकी मां ने उसको अपने घर वापस बुलाने की बात कही थी। इस बात का जब आरोपी जीजा को पता चला तो उसने पोल खुलने के डर से रामनिवास ने अपनी साली को रास्ते से हटाने के लिए योजना बना डाली और मौका देखकर 15 मई की शाम 5 बजे घर में उसके साथ मारपीट की और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। और उसके बाद इस दरिंदे ने स्वयं छात्रा के परिजनों को फोन करके
और स्वयं की कहानी रच के बताया कि आपकी लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार मौके पर नेवटा गांव पहुंचे, लेकिन छात्रा के गले और पीठ पर चोट के निशान देखकर पूरा मामला समझ गए और तुरंत पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। वहीं इसी दौरान आरोपी राव निवास जाट आरोपी फरार हो गया। वहीं मृतका छात्रा के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर सहायक थाना अधिकारी ने आरोपी राम निवास जाट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि घटना के बाद से आरोपी जीजा फरार हो गया था। वहीं एक सवाल जरूर खड़ा करती है कि छात्रावास के अलावा अब छात्राओं के लिए रिश्तेदार व परिजन भी सुरक्षित नहीं रहे। राजधानी में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है और किसी भी अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया झूठवाला थाना इलाके में, जहां पर दो दिन पूर्व एक प्रॉपर्टी व्यवसायी शैलेंद्र माथुर का अपहरण हुआ था, जिस पर उसकी पत्नी ने झूठवाला थाने में शैलेंद्र के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। वहीं तीन बदमाशों पर उसका अपहरण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं पुलिस अपनी ढिलाई में काम करती रही और अपराधियों ने आज सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब खातीपुरा स्थित मरुधर अस्पताल के अंदर शैलेंद्र को भर्ती कराने का नाटक किया और शैलेंद्र को गंभीर अवस्था में अस्पताल में छोड़कर भाग छूटे। डॉक्टर वहां पे शैलेंद्र की जांच कर रहे थे और इलाज शुरू कर पाते उससे पहले ही शैलेंद्र ने दम तोड़ दिया। इसके बाद चिकित्सकों ने झोटवाड़ा थाने में इसकी सूचना दी। झोटवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त शैलेंद्र के रूप में हुई। हालांकि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अंदर तीन जने शैलेंद्र को अस्पताल में अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन सभी तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है और वहीं जो शैलेंद्र की पत्नी है उसने तीन जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। तो पुलिस का कहना है कि वही तीनों हो सकते हैं जो शैलेंद्र के साथ मारपीट करने के बाद उसे अस्पताल लेकर आए थे, जहां पर शैलेंद्र ने अपना दम तोड़ दिया। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस कितनी जल्द इस वारदात का खुलासा करती है या फिर हमेशा की तरह यूं ही खाली हाथ रहती है। अलवर के MIA थाना पुलिस ने ATM हैकर्स के गैंग को पकड़ा है। यह गैंग के लोग अधिकांश इसमें छात्र हैं और यह ATM में पैसे निकालने आने वाले लोगों को चकमा देकर के उनके ATM से पैसे निकाल लिया करते थे। अलवर जिले में ATM हैकर पैसे निकालने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश कर तीन छात्र सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अलवर के उद्योगनगर थाना पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ दिन पूर्व लोहिया के तिवारी के समीप ATM हैकर लोगों से ठगी करने के आरोपी बगैर तिराए के समीप घूम रहे हैं और दोबारा से वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने योजना बनाकर इनको पकड़ लिया, जिससे जानकारी की गई तो इन्होंने लोहिया के तिबारे वाली ATM की घटना की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने इस मामले में शौकत याकूब मोहम्मद जफर और अक्रम को गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी एक ATM हैक के मामले में इनको गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये इस घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनसे अब जहां जहां इन्होंने वारदातें की है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मोबाइल फोन के जरिए प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में 2 महिलाओं सहित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह की महिला सदस्य प्रतिष्ठित परिवारों के लोगों से मोबाइल पर संपर्क करती और धीरे धीरे उनसे दोस्ती गांठ लेती। बाद में ये महिलाएं उनसे झांसे में आए लोगों को एकांत स्थान पर बुला लेती, जहां पर पहले से मौजूद गिरोह के दूसरे सदस्य ऐसे लोगों को बलात्कार के आरोप में फंसाने की बात कहकर ले देकर मामला सुलटाने को कहते। पीड़ित व्यक्ति बेइज्जती के डर से गिरोह के लोगों की ठगी का शिकार हो जाते। ऐसे ही एक मामले में गत दिनों इस गिरोह ने गड़साना के साथ GM निवासी रंजीत सिंह को अपना शिकार बनाया और 30,000 रूपए ऐंठ लिए। इस गिरोह के लोगों ने पीड़ित से खाली स्टाम्प पर भी साइन करवा लिए और 1,70,000 रूपए नहीं देने पर पीड़ित की जमीन अपने नाम लिखवाने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह से और भी कई वारदातें खुलासा होने की उम्मीद है। श्री गंगानगर में एक सिरफिरे की शरारत लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। मामला साधुवाली गांव का है, जहां पर गांव में बनी जलदाय विभाग की डिग्गी में किसी ने जहरीला पदार्थ मिला दिया। जहरीला पानी होने की वजह से इस डिग्गी में सैकड़ों मछलियां मर गई। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में रोष फैल गया। राजस्थान पंजाब सरहद पर बसे गांव साधुवाली में बनी जलदाय महकमे की डिग्गी में किसी ने जहरीला केमिकल मिला दिया। इसी डिग्गी के पानी को ग्रामीण पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा पानी के जहरीला होने पर ग्रामीण जलदाय महकमे द्वारा बनाई गई डिग्गी के आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए। मौके पर जो हालात नजर आए वे वाकई चिंताजनक थे।
पानी सड़ान मार रहा था और डिग्गी के अंदर सैकड़ों मछलियां मर चुकी थी। इतना सब हो जाने के बावजूद जलदाय महकमे के अधिकारी मौके से नदारद नजर आए, लिहाजा ग्रामीणों ने ही इस पानी से मरी हुई मछलियों को निकालने का बीड़ा उठाया। वहीं जलदाय महकमे के प्रति इन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। काफी देर बाद जब जलदाय महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने धीरे धीरे इस डिग्गी को सफाई करवाने की बात कही है। इस घटना के बाद से जलदाय महकमे द्वारा डिग्गी की सफाई कछुआ चाल से करवाई जा रही है, लिहाजा देखना यह होगा कि डिग्गी की सफाई पूरी तरह से कब तक हो पाती है, जिससे कि ग्रामीणों को साफ पानी पीने को मिल सके। कोटा में एक युवक ने अपने ही मकान मालिक की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, हालांकि समय रहते परिजनों को इस बात की भनक लग गई और बच्ची को बचा लिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में किरायेदार ने अपने मकान मालिक की 7 साल की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया, हालांकि समय रहते उसकी माँ को इस बात का पता लग गया और बच्ची को बचा लिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मामला केसरबाग क्षेत्र का है, जहाँ एक मकान में रहने वाले परिजन अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान मकान में किराए से रहने वाला युवक गोविंद मकान मालिक की 7 साल की बेटी को बेला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसी दौरान परिजन बालिका को तलाशते हुए उसके कमरे तक पहुंचे और दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन गोविंद ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बालिका को बाहर निकाला और गोविंद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी गोविंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल में भिजवा दिया। धौलपुर जिले की वाणिज्य कर विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बाड़ी रोड से चाय से भरे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। गाड़ी चालक के पास माल संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिलने के चलते मामला प्रथम दृष्टया सेलटेक्स चोरी का प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें, वाणिज्य कर विभाग की टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक लाखों रुपए की कई ब्रांडों की चाय भरकर बाड़ी के किसी व्यापारी के यहाँ आ रहा है। सूचना पर सेलटेक्स विभाग की टीम ने कार्रवाई कर बाड़ी रोड पर मिनी ट्रक को रोक जांच की तो प्रथम दृष्टया कर चोरी का मामला प्रतीत हुआ। वाणिज्य कर टीम ने ट्रक को बाड़ी पुलिस थाने में जब्त कर बिल गलत होने के चलते 1,57,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। गौरतलब है कि धौलपुर की दोनों सीमाओं में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएं आती हैं। लिहाजा यहाँ के व्यापारी टैक्स चोरी का माल मंगाते हैं, जिनके विरुद्ध आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते सरकार को रोजाना लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। दौसा जेल का किया गया निरीक्षण। जेल में लंबे समय से अधिवक्ताओं के अभाव के चलते कई कैदी बंद हैं। इन्हें अब विधिक सहायता दी जाएगी। दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र सिंह साधु आज वकीलों के साथ दौसा जिला कारागार पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने कैदियों के साथ मुलाकात की। संधु ने यहां पहुंच करके कैदियों से मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि ऐसे कौन से कैदी हैं जिन्हें अभी तक अधिवक्ताओं की सुविधा नहीं मिली है। कैदियों से बात के दौरान यह बात निकल करके सामने आई कि कई विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो मात्र शांति भंग के आरोप में 3 माह से अधिक की भी कारावास की सजा भुगत चुके हैं। इन कैदियों के पास कोई अधिवक्ता नहीं है, ऐसे में इनकी अब तक जमानत नहीं हो सकी है। ऐसे ही कैदियों को चिन्हित कर अब उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक सहायता दी जाएगी। जिला कारागार में कैदियों की भारी संख्या है, ऐसे में कैदियों की इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एवं छोटे मोटे मामलों में हवालात में पड़े कैदियों को विधिक सहायता दे करके अब उन्हें आम धारा में लाने के उद्देश्य से विधिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। बीकानेर में शराब ठेकों का विरोध जारी है। पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे मुरलीधर नगर के निवासियों का आज गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया। मुरलीधर के बाशिंदे पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में जिस स्थान पर ठेका खोला गया है वह सरकारी कार्यालय से सटा हुआ है, पास ही स्कूल है और मंदिर आने जाने के लिए यही रास्ता है। लोगों ने आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों में आबकारी विभाग के खिलाफ इतना गुस्सा था कि टायर जलाकर पूरी तरह से रास्ता ही जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। लोगों का कहना है कि जब तक शराब ठेका नहीं हटता वे आंदोलन जारी रखेंगे। रास्ता जाम होने की सूचना पर नए शहर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। हालांकि लोगों ने जाम तो खोल दिया लेकिन नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रखा।
रणथंभौर नेशनल पार्क में पिछले दिनों बाघ T24 द्वारा फॉरेस्ट गार्ड रामपाल मालिक को मौत के घाट उतारने के बाद वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर NTCA और राज्य सरकार से मिले आदेशों के बाद आज वन विभाग की टीम ने बाघ T24 को उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट करने के लिए भेज दिया। बाघ T24 रणथंभौर का सबसे खतरनाक बाघ था। ये बाघ अब तक 8 लोगों पर हमला कर चुका है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बाघ ने 2010 में पहला हमला घमंडी लाल सैनी पर किया था और दूसरा हमला 2012 में शहर निवासी अस्पाक पर किया। उसके बाद 2013 में वन कर्मी गीसु सिंह को अपना शिकार बनाया और हाल ही में 8 मई को वन कर्मी रामपाल को मौत के घाट उतार दिया। बाघ T24 द्वारा इंसानों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए आनन फानन में वन विभाग ने इस बाघ को रणथंभौर से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया है। पीकू हो गई है, फिल्म कर रही है जबरदस्त कमाई, ऐसे में पार्टी तो बनती है, इसीलिए हाल ही में रखी गई फिल्म की सक्सेस पार्टी। फिल्म वर्ल्ड वाइड अच्छा बिजनेस भी कर रही है, ऐसे में हाल ही में रखी गई फिल्म की सक्सेस पार्टी और पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड के कई स्टार। पीकू की सक्सेस एंजॉय करने पहुंचे जॉन अब्राहम, सुजीत के साथ काम कर चुके जॉन पीकू की सक्सेस से काफी खुश नजर आए। वहीं पीकू की सक्सेस से सुजीत भी काफी खुश थे और सारा क्रेडिट दिया ऑडियंस को। काफी टाइम बाद किसी पार्टी में दिखे साजिद खान और पीकू की सक्सेस को प्रेज करते नजर आए। पीकू का अहम किरदार रहे राणा यानी इरफान खान भी फिल्म की सक्सेस एंजॉय करने पार्टी में पहुंचे और फिल्म के सक्सेस से सेटिस्फाइड नजर आए। पीकू की सक्सेस पार्टी में उमंग कुमार, सोफी चौधरी और करण जौहर भी पहुंचे। सक्सेस पार्टी है तो दीपिका यानी पीकू का होना तो बनता ही है। ब्लैक स्टाइलिश अटायर में दीपिका गॉर्जियस लग रही थी। पीकू के पीछे पीछे पीकू के बाबा का भी पार्टी में आना तो बनता है ना, इसीलिए सक्सेस एंजॉय करने पहुंचे अमिताभ बच्चन। फिल्म को ऑडियंस से मिल रहा है इतना अच्छा रिस्पांस, तो ऐसे में पार्टी तो बनती है। उम्मीद है कि स्टार कास्ट के लिए पार्टी के ऐसे कई और मौके आएंगे।